बहुत ही अमेजिंग फिल्म है. आई थिंक गिव 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 बोथ ऑफ यू गिव. कैसी लगी फिल्म? आई थिंक इट्स अ माइंड ब्लोइंग फिल्म बिकॉज एक शॉर्ट फिल्म में इतने लिमिटेड टाइम में आप इतनी इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, क्योंकि हम सब एक लाइफ जी रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं कि हम क्यों जी रहे हैं. सो एक मतलब एक जो छोटा सा बच्चा है उसकी एक्टिंग एंड ऑफकोर्स दैट्स लाइक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर इंडिया, उनके थ्रू हमें एक इतना इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिल रहा है कि वट एवर वी आर डूइंग, वाई वी आर डूइंग, वी शुड अंडरस्टैंड दैट. सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर एवरीबडी. एंड हम सबको भी कोशिश करनी चाहिए कि हम कैसे बाकी लोगों को हेल्प कर सकते हैं, कैसे वी कैन मेक आर लाइफ यूजफुल फॉर द अदर्स. सो इट्स अ वंडरफुल अमेजिंग एक्सपीरियंस, रियली हार्ट टचिंग, एंड आई गॉट रियली गूज बम्स एट द एंड ऑफ द फिल्म. सो माई आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट मिस्टर महावीर जैन ऑन द होल टीम फॉर एन अमेजिंग फिल्म. सीरियसली थैंक यू. ओके, अपने कांची की एक्ट्रेस मिस्ती इज हियर. Hi. It's first of all, I'm like really amazed कि इतने छोटे से टाइम में इतने ब्यूटिफुली प्रेजेंट किया है इसको. एंड द मैसेज ऑफ काइंडनेस, द मैसेज ऑफ गिविंग, जो लाइन है इसका, बस वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं. आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल मैसेज एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द एंटायर टीम फॉर मेकिंग सच अ ब्यूटिफुल मूवी. एंड आई थिंक आई एम really प्राउड that you know like I came here today and I watched this film and I think it's been a great you know moment for me being a part of the you know like this watching the film and interacting with the entire team and I'm really happy that I could see this. नहीं, मेरे लिए मैं इस फिल्म के साथ जुड़ा ही इस वजह से क्योंकि मुझे बेहद पसंद आई थी ये फिल्म. और ये लाइन जो थी चलो जीते हैं, जो कि हमारी लाइफ की सबसे बेसिक लाइन होनी चाहिए थी, मुझे जब ये बात मेरे पास पहुंची महावीर जी से और मंगेश से तो मुझे लगा मैं 47 इयर्स का हो गया हूँ, दाढ़ी भी सफ़ेद हो गई है. ये लाइन मेरे को सोचे हुए कितना टाइम हो गया कि चलो जीतने, ये बेसिक लाइन है सर. और फिर जब मैंने ये फिल्म के बारे में सुना और देखा और मुझे लगा कि ये तो उसके बियॉन्ड है. ये तो आपको सुन के लगता है चलो जीते हैं एक लाइन है, पर जो चलो किसी के लिए जीते हैं वो कितनी बड़ी लाइन है. इसके अंदर जो छुपा हुआ है वो इस लाइन के पीछे इसकी अलग दुनिया है जो छुपी हुई है. तो मेरा इसके साथ जुड़ना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मुझे इससे कुछ सीखना ज़रूरी था. देखिए, इंस्पिरेशन जहाँ से भी आए आपको ले लेनी चाहिए. ये कहानी अगर किसी ने भी जिए, जिसने भी जिए, उसकी लाइफ में कुछ घटा है, उस जो भी उसकी लाइफ में घटा है, अगर वो आप तक पहुंच रहा है, आपको कभी उसको छोड़ना नहीं चाहिए. और मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी था समझने के लिए कि अगर ये हमारे प्रधानमंत्री की ज़िंदगी का हिस्सा है तो शायद कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ठीक हो रही हैं. भाई, मैं बहुत ही साधारण आदमी हूँ. मेरे को बहुत सारी पॉलिटिक्स या उसके आसपास की दुनिया समझ नहीं आती. मेरे को सिर्फ इतना समझ में आता है कि एक सोच, मुझे सोच समझ आती है और इस कहानी के अंदर जो सोच थी वो मुझे बहुत प्रभावित करती है. मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मैं जिस चीज़ के साथ भी जुड़ रहा हूँ उससे कुछ सीखूँ, और मैंने इससे कुछ सीखा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच.